तो यही है जनरल कोच इस ट्रेन का। आप देख रहे हैं इधर पंखा लगा हुआ है, बाकी इधर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और सीट कुछ ऐसा होता है नीचे, फिर इधर देख लीजिए और अपर चाय। नमस्ते जी, मेरा नाम संदीप गुवाहाटी, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। अभी मैं जस्ट न्यू दिल्ली से आया हूँ पटना तेजस राजधानी के फर्स्ट एसी में। भाई साहब एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था फर्स्ट एसी का, उसका मैंने वीडियो अलग बनाया है। तो यहाँ से मैं जाने वाला हूँ देवघर जनरल क्लास में, तो वो ट्रेन है दानापुर टाटा नगर करके, उसके जनरल क्लास में हमारा सफ़र होने वाला है। तो चलिए आगे आप बने रहिए इस ब्लॉग में, देखते हैं क्या होता है। और लाइट तो है 80 VM मशीन है ना, इससे हम निकालेंगे टिकट अपना JCT के लिए। तो यूजिंग मैप करके मुझे जाना है JCT, तो JCT यहाँ पे है ठीक। और JCT एक टिकट एक्सप्रेस का चाहिए, यहाँ पे कर पे, मैं UPI से पे करने वाला हूँ है ना। तो अभी करता हूँ, UPI आ गया, अब ये स्कैन करके पे करता हूँ। बाकी 85 रुपये दिखा रहा है पटना से JCT एक आदमी के लिए 222 किलोमीटर मेल एक्सप्रेस सेकेंड क्लास यानी कि जनरल का। तो ये रहा हमारा टिकट। और वो जो ATVA मशीन था ना वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने इस लाइन से ले लिया। बाकी ये है जनरल क्लास का लाइन, देख रहे हैं पूरा। ये देखिए कुल्हड़ वाला चाय है ना, 10 रुपये का हाफ है, 20 रुपये का फूल है। बाकी पटना स्टेशन हमारे सामने आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी मैं पटना आया था तो ये वाला जो चाय है ना कुल्हड़ वाली चाय पिया था। बाकी इधर देख लीजिए, अब बाहर का कुछ माहौल ऐसा है, यहाँ पर आप कुछ खरीद भी सकते हैं। देख रहे हैं अभी दुकानें लग रही है, अभी सुबह के 6 बज चुका है। बाकी इधर देखिए पटना जंक्शन महावीर मंदिर है सामने। और चलिए ये देखिए कुल्हड़ वाला चाय कैसे बन रहा है भाई साहब। ऑल राइट, तो ये आ चुकी है हमारी ट्रेन। भाई साहब टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस है और ट्रेन नंबर है 81 84 ठीक। और इसमें चेयर कार भी है आप जैसा कि देख सकते हैं, और इसमें 3rd AC भी है। और हमारा आज का जो सफ़र होने वाला है इसके जनरल क्लास में होने वाला है ठीक। तो ये सब तो 3rd AC है, बाकी जनरल का बोगी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक फूट गई, गजब। चलिए इसी में आज का हमारा सफ़र होने वाला है यार। इसमें जनरल का बहुत क्लास दिखाई दे रहा है मुझे, D3A आ गया। और ट्रेन खाली है क्योंकि ये ट्रेन दानापुर से खुली है, पटना से एक स्टेशन आगे है दानापुर। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कितना है भाई जनरल क्लास, देख रहे हैं पूरा जनरल ही जनरल है इसका। ऑल राइट, तो अभी मैं आ चुका हूँ उस ट्रेन की जनरल कोच में और आप कुछ देख सकते हैं ऊपर वाली सीट पे मैं बैठ चुका हूँ। अभी तो खाली है, आगे लेकिन ट्रेन भर जाएगी। तो यही है जनरल कोच इस ट्रेन का, आप देख रहे हैं इधर पंखा लगा हुआ है, बाकी इधर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और सीट कुछ ऐसा होता है नीचे, फिर इधर देख लीजिए और अपर चाय यहाँ पे, लेकिन कुछ गद्दा टाइप का रहता ना वो अच्छा रहता। और ये रहा हम लोग का जनरल कोच, बाकी इधर आप अपना लगेज रख सकते हैं और मैंने अपना लगेज जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए ठीक है। तो आज का सफ़र JCT तक हमारा लगभग 4.5 घंटा तक इसी में होने वाला है। पटना से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मैं आपको यहीं से डिपार्चर दिखा दे रहा हूँ है ना, और अलग ही अनुभव आने वाला है भाई साहब आज। ये देखिए अभी तो थोड़ा थोड़ा खाली है ना सीट, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के भर जाएगा। हो सके कि इसमें बहुत ज़्यादा जनरल कोच है तो लोग बटा भी जाएंगे। बाकी ट्रेन जैसे ही निकली रफ्तार पकड़ चुकी है और मैं इस ट्रेन में एक बार और सफ़र किया हूँ। मैं बता देता हूँ आपको कब, जब मैं कोलकाता से देवघर आया था ना फ्लाइट से, तो JCT से मैंने शाम को यही ट्रेन पकड़ा था पटने के लिए, जनरल क्लास में मेरा सफ़र हुआ था। और यहीं से मैं आपको डिपार्चर दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये देखिए पूरा लोग बैठे हुए हैं, इधर की खिड़की ये रही। चलिए हमारा आज का सीट यही है, चलिए मस्त। इधर देखिए भैया पूरा एकदम आराम से लेटे हुए हैं, अलग है माहौल, जनरल क्लास का तो मज़ा ही अलग है भाई साहब। हमारी ट्रेन राजेंद्र नगर स्टेशन को क्रॉस की है, जो हमारी तेजस राजधानी थी ना तक आती है। हालांकि मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं यहाँ पर बैठा दिखा दिया, देखा तो वो ट्रेन मुझे दिखाई नहीं थी, हो सकता है कि उस साइड लगी होगी, आने की चली गई वाशिंग के लिए, कोई बात नहीं।
लिए तो आज का सफर मजा आ रहा है भाई साहब जनरल क्लास में। तो ये जनरल क्लास में आपको देखिए लाइव ही मिल जाएगा, 10 रुपये का 5 बेच रहे हैं, बाकी आप देख रहे हैं 10 रुपये का 5 जो है। चलिए बाकी हमारी ट्रेन तो भाई साहब एकदम रफ्तार में चल रही है, और लाइट तो ट्रेन हमारी यहाँ पे खाली हो रही है जसीडी में, देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग यहीं पे उतर जाएंगे। बढ़िया देखिए पहले ही सही सीट चेक रहे हैं, हाँ रखिए रखिए वहीं पे रखिए, देख रहे हैं ये अपना पहले ही से सीट चेक दिए कह रहे हैं रख दीजिए। चलिए जी और यहीं पे ट्रेन खाली हो जा रही है। ऑलराइट तो हम पहुंच चुके हैं जसीडी, आप देख रहे हैं ना ये है प्लेटफॉर्म, और यहाँ से हम जाएंगे ऑटो से देवघर। ये देख रहे हैं जसीडी स्टेशन का बाहर का यहाँ पे ऑटो स्टैंड है ना, और यहाँ पे देखिए भैया बैठा रहे हैं सब लोगों को, बाकी हम बैठ चुके हैं आगे की तरफ। और ये देखिए पूरा ऑटो ऑटो है यहाँ पे भाई, एक ट्रेन आई और बहुत सारी ऑटो फुल हो गई। जसीडी से देवघर के लिए ऑटो में बैठ चुका हूँ है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं भैया भी डीजल लेंगे ऑटो के लिए। तो बाकी अगर बात करें जसीडी से देवघर के लिए तो 20 रुपये चार्ज करते हैं, 8 से 9 किलोमीटर डिस्टेंस। और अगर बात करें हमारी ट्रेन की जो जनरल कोच में सफ़र रहा पटना से लेकर जसीडी तक, तो मैंने 85 रुपये दिया था और ट्रेन लगभग पूरी खाली दिखी हुई। बहुत ज़्यादा इसमें जनरल कोच है जो ये दानापुर टाटा नगर ट्रेन है ना, इसमें तो जसीडी में बहुत सारे लोग उतर गए और बहुत सारे लोग भी चढ़े, तो ये जनरल कोच का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। बाकी अब हम मिलेंगे आपसे होटल में, और टेम्पू चलेगी। यहाँ पे लिखा है देवघर नगर निगम में आपका स्वागत है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये कोई ब्रिज आया है, बाकी ये कोई नदी हो सकता है अब मुझे नहीं पता है। और ये देखिए ऑटो टोटो आपको देखने को मिल जाएगा इधर, बाकी सब लोग बाबा नगरी देवघर जा रहे हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ देवघर में अभी, और मैंने अभी रूम ले लिया है, देख सकते हैं हमारा रूम है, 400 रुपये का मैंने लिया है। कल सुबह मैं चेकआउट कर दूंगा 8 बजे, क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है देवघर से पटना के लिए, देवघर से पटना के लिए कल फ्लाइट लॉन्च हो रही है, तो उसी फ्लाइट से मुझे निकल जाना है पटना। मंदिर के पास में ये जो होटल है ना वो है, तो काफी आसान रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी नहाकर जाऊंगा दर्शन करने। तो ये देख लीजिए ये रहा मेरा रूम, और 400 रुपये का है, बाकी यहाँ पे नॉन एसी है तो पंखा मिल जाएगा, यही सब है, यहाँ पे लाइट है ठीक है। बाकी इधर देख लीजिए ये है बालकनी, इतना बालकनी मिल जाता है, बाकी इधर देख लीजिए इधर से कुछ नज़ारा ऐसा देखने को मिलता है। बाकी रहा आज रात और कल सुबह तक का हमारा ठिकाना, और जस्ट मंदिर के पास में ही है ये रूम, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ खुजने में भी। और हाँ जसीडी से आप आएंगे ना देवघर ऑटो से, तो यही ऑटो उतारे हैं, स्टैंड है यहीं पे, और जस्ट सामने ही होटल था, तो मैंने पूछा कि भैया खाली है, तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई खाली है। तो ये सिंगल मैंने लिया है, और इसमें ना अटैच टॉयलेट नहीं है, तो ये 400 का पड़ा मुझे, बाकी अगर अटैच टॉयलेट लेंगे तो 800 रुपये का पड़ेगा, थोड़ा रूम का कंडीशन अच्छा रहेगा, लेकिन ये भी ठीक है भाई बजट ट्रेवल करने के लिए। यहाँ पे देख लीजिए एक शीशा भी मिल जाता है। और लाइट जी तो 1 बजने वाला है, मैं भी नहा हुआ कर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे देख लीजिए मैंने जल और पेड़ा ले लिया है चढ़ाने के लिए। तो ये रहा लाइन कुछ जो कि नॉर्मल लाइन है, और इस समय जो VIP कूपन है ना वो 250 रुपये का है, और जब हम लोग आए थे उसमें जब सावन चल रहा था उसमें 500 का था। बाकी अभी आपको यहाँ पे लाइन क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाके बहुत लाइन मिलने वाला है ना, तो कोई बात नहीं, उस समय हम लोग के पास टाइम नहीं था, तो हम लोग VIP पास से दर्शन किए थे, हम और राहुल भैया थे, अब कि मैं अकेला हूँ तो, और टाइम भी है, कल मुझे यहाँ से निकलना है, तो इसलिए मैं नॉर्मल ये जो है ना लाइन इससे मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। फाइनली मैं दर्शन करके बाहर आ चुका हूँ, और ये देखिए मंदिर आप देख रहे हैं इधर, और 1.5 घंटा का समय लगा मुझे जो कि मैं नॉर्मल लाइन से गया था। और ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ, यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा नॉर्मल क्राउड है ना, लेकिन भाई साहब अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ था, और अंदर मंदिर
के अंदर तो भाई मैं वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे तो इतना क्राउड है ना भाई साहब, क्या करने के लिए, और धक्का मुक्की भी हो रहा था। बाकी बाबा का दर्शन हो गया, हर हर महादेव। और जब मैं दिल्ली से देवघर आया था ना फ्लाइट से, उस समय भी दर्शन किया था, उस समय सावन चल रहा था, हालांकि आज 25 मार्च है ना, काफ़ी अच्छा लगा। ये देख लीजिए एक बार, और इधर से यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, और यहाँ पे पार्वती माता का मंदिर है ना, हर हर महादेव, जय श्री शंभु भोलेनाथ। तो ये मैंने लिया है खाने के लिए, ये कोई रिफाइंड पराठा करके है, देख रहे हैं वहाँ पे आलू सत्तू मिक्स है, 40 रुपये का एक पीस है, और 40 रुपये मुझे ये मिला है। चाय पिया था मैंने सुबह पटना में, उसके बाद अभी नाश्ता करते हैं, खाते हैं। ऑलराइट जी, फाइनली आज है डे टू मेरा देवघर में, और मैं कल शाम को जाने वाला था टेम्पल है ना, लेकिन मैं आया ना जब तो सो गया, उसके बाद शाम को एक ही बार नींद टूटा, मैं तो टेम्पल नहीं जा पाया। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से देवघर एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज ना देवघर से पटना के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है, और कल देवघर से रांची के लिए, ठीक, तो उसी का ब्लॉग मुझे कवर करना है। तो अभी सुबह के लगभग 8:30 हो चुका है, और हमारी फ्लाइट जो है 11 बजे के करीब है। तो मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, नाश्ता करूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा सीधे एयरपोर्ट। तो ये मेरा जो वीडियो था पटना से लेकर जनरल बोगी में जसीडीह तक, उसके बाद टेम्पू से यहाँ देवघर, उसके बाद मैंने दर्शन किया, ठीक। और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू सो मच।